My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about fiber to fabric. Fiber to fabric. Chapter 3 है ये. पहली एंड बूझो. पहली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held in their school. पहली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज जीता. उनके स्कूल में एक से एक साइंस क्विज हुई, उसमें फर्स्ट प्राइज जो है उन्होंने वॉन किया, जीत लिया. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. तो उनको जो प्राइज मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि कपड़े खरीदे जाए, न्यू क्लॉथ जो है वो वाई के लिए खरीद लिए. किसके लिए? फॉर देयर पेरेंट्स. व्हेन दे सॉ ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, उन्होंने लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल थी, बहुत सारे कपड़े विभिन्न प्रकार के देखे. दे गॉट कन्फ्यूज, जब इतनी वैरायटी के कपड़े देखे तो वो कन्फ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स. शॉपकीपर ने बताया, व्याख्या की, एक्सप्लेन किया कि सम क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या है? फैब्रिक्स. क्लॉथ्स मीन्स फैब्रिक्स. वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. तो ये बताया कि इसमें कुछ तो कॉटन के बने हुए और कुछ सिंथेटिक है, मैन मेड है. ही आल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड सॉल्स. वुलन मफलर्स और सॉल्स भी है. देवर मैनी सिल्क साड़ीज, देवर मैनी सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी भी है. एंड एज वेल, मतलब बहुत सारे वैरायटी के क्लॉथ जो है उसकी दुकान में है. पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. तो पहली और बूजो काफ़ी उनको एक्साइटेड हुई. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, तरह तरह के कपड़े उन्होंने उसको टच किए और फीलिंग की, कुछ सॉफ्ट है काफ़ी है, कुछ हार्ड है. फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी, अंत में क्या किया उन्होंने, एक वुलन मफलर लिया और कॉटन साड़ी ली. हैं, तुम जब कभी जाते हो शॉप पर अपने कपड़े खरीदने के लिए, हैं, तो तरह तरह की वैरायटी के कपड़े देखते हो, हैं, उसके बाद फिर उनको अपने पसंद करते हो, खरीद लेते हो. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंड. तो पहली और बूझो जब वो दुकान से अपनी विजिट कराए, उसके बाद देखा उन्होंने और पास अपने तरह तरह के कपड़े पहने हुए हैं, है, कोई कॉटन का पहने है, कोई सिंथेटिक है, टेरी कॉट है, है, साड़ी है, बनारसी साड़ी, सिल्क की है, हैं, तरह तरह की. दे फाउंड दैट बेडशीट्स देखी, ब्लैंकेट्स देखा. अब देखिए दुकान शॉप से है, इसमें तरह तरह की वैरायटी के, तरह तरह की क्लॉथ्स जो है हैं, कहीं पैंट शर्ट के कपड़े हैं तो कहीं साड़ीज वगैरह हैं. ये देखिए है, इसकी तो विजिट की होगी तुमने. तो ये तरह तरह की वैरायटी के क्लॉथ्स, इसमें बेड शीट, ब्लैंकेट्स, कुछ कर्टेंस, पर्दे देखो, टेबल क्लॉथ, टावल्स एंड डस्टर्स हैं, वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. तो ये तरह तरह ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स बने हुए हैं. तो उसमें क्या, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ, टावल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. तो फैब्रिक्स क्या है? कपड़े. Even their school bags,
एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स। तो स्कूल बैग्स, गनी बैग्स, ये सभी जो है फैब्रिक्स के बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। तो उन्होंने इसको जो है आइडेंटिफाई किया, कॉटन है, वूल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। अरे तुम भी तो जांच कर सकते हो, देखो कौन किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, घर में कौन किस प्रकार के कपड़े पहनता है, कोई कॉटन है, हैं देखिए कॉटन के पहनता है, तो कोई जीन्स वगैरह, ये देखो हैं अंगोछा वगैरह होता है, ये कॉटन का होता है, टॉवल वगैरह कॉटन, मफलर हैं वूल का होता है। तो वैरायटी इन फैब्रिक्स, अब देखो ये एग्जांपल वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, तरह तरह की वैरायटी। विजिटेड नियर बाई टेलरिंग शॉप, अब तुमको कहाँ जाना है, टेलरिंग शॉप पर जाना है जी। जिस दिन बाजार खुले, बाजार बंद है तो नहीं जाना भाई, है मार्केट खुला हुआ है तो हम जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। विजिटेड नियर बाई टेलरिंग शॉप, अरे टेलरिंग शॉप पर क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ लोग तरह तरह के कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ तरह तरह की वैरायटी मिलेगी। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, सिलाई के बाद में कुछ कटिंग रह जाती है, उसको कलेक्ट करें, कतरन जिसे कहते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसको फील करिए, टच करिए किस प्रकार का। नाउ ट्राई ए लेवल सम ऑफ फैब्रिक्स एज कॉटन, कुछ फैब्रिक्स कॉटन की हैं, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, उस वैरायटी को, तरह तरह की वैरायटी, हम नाम लिख सकते हैं, एक अपनी डायरी ले जाइए पॉकेट, उस पर लिख लीजिए, पूछ लीजिए टेलर से, भाई ये कौन सा कपड़ा है, ये किस प्रकार का कपड़ा है, इसमें किसका बना हुआ है, कॉटन का, सिल्क का, वूल का या सिंथेटिक है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, अरे अब तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि ये तरह तरह के फैब्रिक्स किसके बने हुए। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली व्हाट डू यू नोटिस, अब उसको थोड़ा पास से देखेंगे क्लॉथ को तो किस प्रकार का ये बना हुआ है। ये एक्टिविटी टू, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी वन, नाउ ट्राई ए फाइंड ए लूजिन थ्रेड और यार्न, एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट, अब उसमें जो यार्न है, थ्रेड है, उसको देखेंगे। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और नीडल, तो हम उसको जो है पिन या नीडल से निकाल भी सकते हैं। देखिए ये फैब्रिक है, फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, क्लॉथ है, इसमें से हम धागे को निकालें एक एक करके, दो चार धागे निकाल सकते हैं, नहीं निकला हुआ तो थोड़ा कट कर दें और नीडल से निकाल लें। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर, व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ, अब देखिए जो फैब्रिक है वह बना हुआ है यार्न का, किसका बना हुआ है, यार्न का। अब यार्न कैसे बने हुए हैं, लुक हियर, यहाँ देखिए क्लॉथ है, फैब्रिक, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे यार्न है, क्या है यार्न, ये देखो दिखाई दे रहे हैं, और ये यार्न जो है स्टिचिंग है,
आपस में बुनाई की गई इनकी। देखो इस प्रकार से ये क्या बनाया गया है, फैब्रिक बनाया, क्लॉथ बनाया गया है। ये देखिए ये सभी यार्न, समझ में आ गया। तो यार्न कैसे बना, देखिए एक्टिविटी थ्री लोग, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दीज पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल और एज शोन इन फिगर 3.1। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्पिल्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो यार्न जो है, अब देखिए इसमें यार्न ले लिया और यार्न को जो है फिर स्पिल्ड कर दिया, तो इस प्रकार से यार्न कई उसमें मत पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको जो है इस प्रकार से यार्न निकाल करके उसको जो है करते हैं। देखिए यहाँ पर यार्न है ये और इसको जो है फिर स्टिंच कर देंगे और इसको इसमें जो ऐंठ है वो उसकी निकाल देंगे, तो देखेंगे इसमें बहुत सारे किसका बना हुआ है, ये हैं कॉटन का बना हुआ। तो इस प्रकार से ये समझ में आया, यार्न स्पिल्ट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, थिन स्ट्रैंड्स भी कन्वर्ट हो जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, मेनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, सेपरेट हो जाते हैं, क्या होता है स्ट्रैंड्स, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो ये थिन स्ट्रैंड जो है किसका किससे मिलकर बना हुआ, फाइबर से मिलकर बना हुआ। जैसे तुमने देखा कॉटन रुई होती है, ये रुई में थोड़ा मतलब उसको ऐंठिए तो वो भी यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स कुछ होते हैं, कॉटन फाइबर, नायलॉन फाइबर्स और से फाइबर्स, उन्हीं से जो है थ्रेड बनता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अंडरस्टैंड, फैब्रिक्स, फैब्रिक्स जो है ये क्लॉथ किससे मिलकर बनते हैं, यार्न से, और यार्न किससे मिलकर बनता है, फाइबर से, अंडरस्टैंड, इसे फाइबर से। अभी फाइबर कहाँ से आते हैं, अंडरस्टैंड, सोचिए, थिंक, फाइबर दी द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जैसे कॉटन क्लॉथ से, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये कॉटन, जूट प्लांट से मिलते हैं, सिल्क, वूल ये एनिमल से मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। अब ये क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स से, तो इनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है, क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट फाइबर है, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स, दीज आर एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क, ये बोल जानते हो है, सीप से मिलती है, सिल्क सिल्क वर्म से, वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गॉट, वूल कहाँ से मिलती है, फ्लीस ऑफ सीप और गॉट, फ्लीस मीन्स हेयर, जो सॉफ्ट हेयर है उनको फ्लीस कहा जाएगा, तो उनसे जो है
वूल मिलती है। वूलन क्लॉथ्स को पहनते हो, कब पहनते हो? विंटर सीजन में। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट की भी सॉफ्ट हेयर होती है, उससे मिलती है। याक, याक ये पहाड़ी क्षेत्र का बैल है। एंड कैमिल्स, कैमिल से भी। तो इस प्रकार से ये एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? कोकून ऑफ सिल्क वर्म। 4000s ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। पहले जो है 1000 ईयर है वो नेचुरल फाइबर से की फैब्रिक्स बनती थी। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर आल्सो मेड अप फ्रॉम केमिकल्स। और अभी जो है ये केमिकल्स है, समझे, कुछ ही सैकड़ों साल पीछे ये केमिकल से बनाए जाने लगे, इससे बनाए जाने लगे केमिकल से। बुजु है सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन सोन हियर, दीज वर बोर्न बाय वॉरियर्स, ही वांट्स टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर। तो उसने म्यूजियम में देखा जो कि पहले वॉरियर योद्धा पहना करते थे, इक्लॉथ्स देखे। कभी जाते हो जैसे मान लीजिए दिल्ली कोर्ट में जाओ, दिल्ली का जो लाल किला है उसमें जाइए कोर्ट में, तो वहाँ भी क्लॉथ्स रखे हुए हैं राजा महाराजाओं के, रानियों के, तरह तरह के क्लॉथ्स। तो बूजो भी म्यूजियम में गया और उसने देखा ये जो है क्लॉथ्स जो है वो किस किस प्रकार के फाइबर से बने हुए। तो इसमें इस वीडियो में अब इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मटेरियल जो है अपलोड करेंगे। तो मन लगा करके पढ़िए, मन के द्वारा ही सब कुछ होता है जी। मन को जो है अच्छे कार्यों में लगाइए, मन को जो यूजफुल वर्क उसमें लगाइए और फिर देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टडी होती है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।